उसके बारे में थोड़ा बताएं वो क्या जैसे वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस स्किल्ड के ऊपर रहेगा जी ठीक है तो गवर्नमेंट हैज इट्स ओन चैलेंजेस किस को लाना है कैसे लाना है लगता है ये सबके लिए एक टॉपिक है डेफिनेटली क्योंकि कोई भी बंदा इस कंट्री में आया है या स्टूडेंट है या कोई और भी है जी उसका अपनी फैमिली को अपने पेरेंट्स को बुलाना एक सपना होता है ड्रीम होता है बिल्कुल सही और इसके बारे में हर एक इमिग्रेंट का एक ड्रीम होता है कि वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया में रख सकें इसी टॉपिक पे आज का हमारा एपिसोड बेस्ड है आज इस एपिसोड में मिस्टर राजवंत सिंह जो पेरेंट वीज़ा स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया है मिस्टर राजवंत स्पेशली पेरेंट वीज़ाज में डील करते हैं और एक पेरेंट वीज़ा वर्कशॉप भी चलाते हैं तो आज हमने जाना कि वो पेरेंट वीज़ा वर्कशॉप में क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कितना एक्सपेंडिचर पेरेंट वीज़ाज़ पर आता है आ, आज इस एपिसोड में आपको पेरेंट वीज़ाज़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा उम्मीद करते हैं हमारा पॉडकास्ट आप लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा अगर आप कोई और ऐसा वैल्यूबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें इमिकास्ट के नाम से हमारा चैनल हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा आपके लिए हमारा चैनल शेयर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है बट हमारे लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा हाई एवरी वन वेलकम टू इमिकास टुडे आई हैव मिस्टर राजवंत विद मी ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन वीजा सेंटर एंड ब्लैक टाउन में इनका मेन ऑफिस है आज हम इनसे बात करेंगे पेरेंट वीज़ाज के बारे में हेलो uh, राजवंत जी हाउ आर यू यू टुडे आई एम गुड सर थैंक फॉर हैविंग मी हियर जी सर तो देखिए सर एक कॉमन क्वेश्चन होता है सभी से मेरी पहली लाइन यही होती है जी एज ए इमिग्रेंट आपका जो बैकग्राउंड है आपका जो इंट्रोडक्शन है वो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपका जो सफ़र है यहाँ का कब शुरू हुआ कहाँ से आप हैं जी और कितने साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में सर जी आ, मैं पंजाब से हूँ जी लुधियाना लुधियाना में रहा हूँ ज़्यादा देर वैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक टाउन है ज़ीरा वहाँ से है बट ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मैं लुधियाना में था आई वॉज़ वर्किंग देयर तो वहाँ से हम निकल के सिडनी में आ गए जी। तो टू थाउजेंड ओलम्पिक्स के बिल्कुल पहले ऑनलाइन right. तो उस टाइम पे आए थे और तब से बस सफर शुरू हो गया जॉब्स बिजनेस तो ये चल रहा है तब से सर जी तो आपका हाँ जी, जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जी, करेंगे जी. जी. जी सर तो जो आपका जर्नी है जी. इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के जब शुरू हुई तो उस टाइम पे कौन से वीजा अवेलेबल थे और आप किस वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुआ हम जनरल स्किल्ड माइग्रेशन जो सिस्टम था उस टाइम पे उसी के अंडर आए थे परमानेंट रेजिडेंट तो वो हमने अप्लाई किया उसके बाद आ, उसका प्रोसेस चला तब भी ऐसे ही लंबा टाइम लगता था लाइक टुकस फाइव इयर्स हमारे टाइम पे तो हमें भी इंग्लिश टेस्ट देना पड़ा और वो जो सेम प्रोसेस था थोड़ा सा अब से सिम्प्लीफाइड था पहले जैसे अब स्किल असमेंट करवानी पड़ती है पहले वो स्किल असमेंट अपने आप ही करवाते थे यू अप्लाइड एंड देन डिपार्टमेंट यूज टू एस एस यू ओके कहाँ पे आप हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जी तो वो सिस्टम था और उसी के अंडर माई एज अ माइग्रेंट फिर जो सभी माइग्रेंट्स की होती है जर्नी जी स्ट्रगल एंड ऑल दै तो उसी में से हमें भी निकलना पड़ा जी डेफिनेटली तो आप किस कैटेगरी uh, में स्किल माइग्रेशन जो आपका यहाँ पे हुआ था वो कौन सी कैटेगरी थी वो जब हमने अप्लाई किया था तो आई मैं था मेन एप्लीकेंट एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल ओके बट उस टाइम पे क्या था तो दोनों को असेस करते थे तो दोनों पार्टनर्स को सेपरेटली तो जिसके ज्यादा पॉइंट्स बनते थे उसको मेन एप्लीकेंट बना देते थे ओके तो फिर क्या हुआ कि माय वाइफ शी वाज अ टीचर जी तो बाद में डिपार्टमेंट ने जब प्रोसेसिंग शुरू की तो उसको बना दिया मेन एप्लीकेंट तो मैं ये कहूँगा कि वही इंजन थी जी के लिए <laughs> तो एज अ टीचर okay. माइग्रेशन हमारी हुई थी उस तरफ जी ठीक है सर तो बैक इन टू थाउजेंड जब आप यहाँ पे सिडनी में आए होंगे शायद आपने सिडनी से सफर शुरू किया आपने तो सिडनी के हालात कैसे थे एज ए इमिग्रेंट उस टाइम पे आ, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लिविंग कोस्ट है या फिर यह कह के इमिग्रेंट के लिए एक नए देश में शुरुआत करनी वो आपकी कैसी रही देखो उस टाइम पे कम्युनिटी तो काफ़ी कम थी जी बिकॉज हम जब आए थे तो जस्ट बिफोर ओलंपिक्स तो जॉब्स तो बहुत थी ओके ठीक है तो नई अपॉर्चुनिटीज निकल रही थी बहुत सारे लोग रेलवेज में जा रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स भी काफ़ी थी तो जॉब्स वर गुड तो सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी हमें भी मिली तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब तो कम्युनिटी बहुत स्मॉल थी जी। तो जैसे ब्लैक में अगर आप देखो तो आ, ये ग्रॉसरी स्टोर एक ही होता था तब तो लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट थी उस एंगल से कि इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं थी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी चीज़ों की बट अदर देन दैट ठीक था सब कुछ मतलब जैसे अब आप तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों को मिल रही हैं तब भी ठीक था लेस नंबर ऑफ पीपल कम्युनिटी कम थी जी तो किस सब में आप ज़्यादातर रहे उस टाइम पे आके सिडनी के अंदर uh, हम रहे हैं ग्लैंड हाँ ग्लेंडेनिंग में रहे हैं हम ब्लैकटोन एरिया में ही और ब्लैकटोन एरिया का पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख लिया जी. पिछले पच्चीस साल में जी. तो बहुत ग्रो किया है और पूरा वेस्टर्न सिडनी की ग्रोथ हमने देखी है कम्युनिटी की ग्रोथ देखी है विच इज़ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस हमारी कम्युनिटी ने बहुत तरक्की की है आ, और पिछले दस पंद्रह सालों में तो बहुत ही ज़्यादा की है जी तो उस वजह से आई थिंक वी हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि हमने ये सब जर्नी देखी है कम्युनिटी की तो जैसे नए नए काम हो रहे हैं जैसे आपने ये शुरू किया है प्रोजेक्ट है ना जी तो ये आई थिंक तब नहीं पॉसिबल था बिल्कुल ठीक है मीडिया की डिफरेंट फॉर्म्स थी जैसे हमने भी पंजाबी का न्यूज़पेपर निकाला जी उसको चलाया बहुत साल अब कोविड में थोड़ा ब्रेक भी आ गया उसमें ना? तो आई uh, थिंक so वो जर्नी uh, की चेंजेस आ रही हैं ठीक है uh, तो नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं सभी तरफ तरह के बिजनेस कर रही है हमारी कम्युनिटी ग्रो कर रही है uh, और पॉलिटिकल सेव भी बढ़ रहा है जी जी तो विच इज़ गुड तो जब आप ग्लैन एंडिंग में टू में आए तो तब तो एकदम खाली एरिया रहा होगा यहाँ पे सर Glen हाँ में मतलब भी। ये ग, ये पूरा जो एरिया वेस्टर्न सिडनी था जी तब तो ये जैसे ये मास्डन पार्क का एरिया है जी। ये तो कुछ भी नहीं था सब खेत थे वहाँ फार्म्स, रहे, फार्म्स थे इधर भी नॉर्थ वेस्ट में भी ऐसे था ठीक है तो ये सब नया फिनल है जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी डिमांड बड़ी और क्या हुआ कि जो लोग पैरामाटा हैरिस पार्क में रहते थे वो सब भी इधर आ गए ठीक okay. है जी. तो उसकी वजह से फिर पूरी ग्रोथ हुई है इस एरिया में जी. तो अब तो देख लो आपके सामने ही तो मतलब हमारा इस एरिया हाँ, हम पूरा हर एक तो चीज देखो ना कोई चीज ऐसा नहीं आप कह सकते कि अवेलेबल नहीं है जी ठीक है पहले क्या था कि हम अगर ग्लेंडनिंग में रहते थे अगर कोई

तो वो भी एक अच्छा चैप्टर है करने के लिए जी, जी, आपने कभी करना हो तो उसकी जो हिस्ट्री है हाँ जी। उसके ऊपर भी आप एक एपिसोड करो जी डेफिनेटली आई वुड कर हाँ तो ज़रूर करना ठीक है सर तो आपने पंजाबी न्यूज़पेपर शुरू किया वो किस नाम से शुरू किया और कब शुरू किया आपने उसकी जर्नी क्या थी सर वो हमने शुरू किया टू में जी तो आ, उसका नाम है पंजाब एक्सप्रेस जी सर ठीक है प्रिंटेड पेपर था एवरी मंथ Okay. फिर बीच में हमने उसको फोर्ट नाइटली भी कर रखा थोड़ी देर जी। तो बट फिर बाद में मंथली कर दिया बिकॉज उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था काम भी है यू you नो know, क्योंकि न्यूज पेपर का जो कॉन्सेप्ट था मेनली ये नहीं था कि इट वॉज एन बिग बिजनेस है ना तो आप उससे सस्टेन नहीं कर सकते थे इनकम वाइज तो इट वाज मोर लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट आप कह सकते हो चैरिटी बोल दीजिए इसको एक तरह से चैरिटी तो नहीं पैशन प्रोजेक्ट कह सकते हो आप ठीक है तो वो प्रोजेक्ट था तो उसको चलाया वैसे हमने अनटिल अबाउट लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी कोविड से पहले जी। तक लगातार चलाया एवरी मंथ नेवर मिस्ड फिर कोविड में ब्रेक आ गई फिर वो ब्रेक थोड़ी सी ज़्यादा टाइट ही लगी जी बिकॉज <laughs> लग क्योंकि आई थिंक फॉर्मेट भी चेंज हो गया ना अब सी मीडिया इज मोर डिजिटल है ना तो सिर्फ आ, हमारे पेपर ही नहीं बड़े बड़े जो इंग्लिश टाइटल थे मैगजीन से वो बंद हुए हैं कोविड के कारण और क्योंकि कोविड के कारण सब कुछ चेंज हो गया लोगों की जो मीडिया को एंगेज मीडिया के साथ होंगे कि हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो चुकी हैं जी ना? बिल्कुल क्यों आप न्यूज़ क्या दोगे जो उनके पास पहले ही है बिल्कुल वो स्पीड तेज you know, है हाँ वो तो बेड पे पहले न्यूज़ मिलती है फिर आप चाय पीते हो बिल्कुल तो दिस इज व्हाट नाउ द द सोसाइटीज ट्रुथ इज तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो so, अब uh, दिस इज द्यू मीडिया जो आप चाहिए अभी कोविड के बाद शिफ्ट हो गए लोग एक्चुअली इंटरनेट लोगों की जो खुद की हैबिट्स हैं वो चेंज हो गई जी ठीक है बिकॉज everybody इज गिविंग यू न्यूज आप फेसबुक पे हो तो न्यूज मिल रही है जी बिल्कुल आपको न्यूज पेपर की जरूरत नहीं है किसी न्यूज साइट में जाने की जरूरत नहीं न्यूज साइट भी सोशल मीडिया यूज कर रही है सर आपको न्यूज देने के लिए सो आई थिंक दी होल कॉन्सेप्ट है वो आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा अपने आप से और देखिए टाइम के साथ हर एक बंदा फेसबुक पे है या फिर किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे है आसपास जो भी देखता हो पोस्ट करने की कोशिश करता है ताकि लोग अवेयर हो जाएं। जी तो अब हर एक बंदा ही जर्नलिस्ट हम कह सकते हैं हाँ वो भी एक चीज़ है और टूल्स ऑफ जर्नलिज्म भी है क्योंकि आपके पास ये जो आ, फोन है जी, तो वो आपका टेप रिकॉर्डर भी है जी, वो आपका कैमरा भी है उसमें आप खुद भी बोल सकते हो जी। देने के लिए Definitely. आप लाइव हो सकते हो uh -huh. तो आई थिंक ये जो डिपेंडेंसी थी किसी के ऊपर की वो खत्म हो चुकी है तो एवरी बॉडी इज अ जर्नलिस्ट एज यू से है ना एवरी बॉडी इज अ कंटेंट क्रिएटर उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हैं कई बार कुछ नई दिखाना होता जहाँ उसका कोई और परस्पेक्टिव भी होता, होता है ठीक है और मैं दिखाऊंगा तो डिफरेंटली दिखाऊंगा आप दिखाओगे तो डिफरेंटली दिखाओ उसमें से ठीक कौन है यू नो सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी बिल्कुल सर ठीक है तो अभी आपका जो न्यूज़ पेपर का न्यूज़ पेपर का जो आइडिया उसको डिजिटाइज करने का है या फिर उसको ऐसे ही नहीं प्रिंट में चलाएंगे क्या अभी करना चाह रहे हैं अभी उसको डिजिटल फॉर्मेट में कर रहे हैं अभी जो हमारी वेबसाइट है वो तो चल ही रही है जी उस पर डालते हैं हम कॉन्टेंट अभी उसको आ, इन ई पेपर फॉर्मेट भी शुरू कर रहे हैं ठीक है बाकी फिर जो भी डिजिटल कंटेंट होगा जी उस तरफ करेंगे हम ठीक है सर सर लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल जर्नी जी तो आपकी माइग्रेशन इंडस्ट्री के अंदर एंट्री की जो जर्नी आपकी आपने कहाँ से शुरू करी जी, और आप इसी में लाइन में क्यों आए इस बारे में हम जानना चाहेंगे यहाँ आने से पहले इंडिया में आई यूज टू डू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जी तो वहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स भेजते थे जी फिर यहाँ जब आए टू में तो आई कूड फाइंड अ ब्रेक उस काम को कैसे करना है कैसे उसको कंटिन्यू करना है तो वो स्टॉप uh, हो गया फिर अराउंड टेन इयर्स बैक फिर मैंने वापस पहले और बिजनेस भी करते थे तो फिर इसमें दोबारा से कॉन्टैक्ट्स बने फिर वो शुरू किया पहले एजुकेशन का फिर माइग्रेशन uh, का कोर्स किया तो uh, 2017 से फिर माइग्रेशन uh, को फुल टाइम से कर रहा हूँ मैं जी सर, ठीक है। तो 17 में आपने जो कोर्स है वो आपने मैंने कोर्स शुरू किया था 2015 में टू तो 16 में वो खत्म किया जी फिर वो थोड़ा टाइम लगता है यू यू नो हैव टू पास इंग्लिश टेस्ट ठीक है तो वो करने के बाद फिर मेरी 17 में हुई रजिस्ट्रेशन जी तो उसके बाद से फिर फुल टाइम कर रहा हूँ मैं जी तो डेफिनेटली आप इतने टाइम से जुड़े हैं इमिग्रेशन से जी इंडिया में भी आप यही करे तो कितने सारे चेंजेस आपने देखे होंगे बहुत सारे चेंजेस हैं मतलब इमिग्रेशन uh, का जो सिस्टम है ना ये फ्लूड सिस्टम है ये कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है जिसमें चेंजेस लगातार होती रहती हैं क्योंकि इसकी ट्यूनिंग करनी री ठीक है वो करते रहते और वो सही भी है क्योंकि जो पहले सिस्टम था वो शायद नहीं चल सकता है ना हाँ तो इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो बहुत सारी चेंजेस सब तरह से देख ली हमने स्टूडेंट वीज़ा में देख ली स्किल्ड uh, माइग्रेशन में देख ली वर्क वीजा में तो सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे टाइम होता है कभी वो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट कर दी कभी लगता है अब आसान हो गई है तो आई थिंक वो एक हायर लेवल का व्यू होता है गवर्नमेंट का उसके हिसाब से वो करते रहते हैं कि जो उनकी नीड्स है ठीक है वो एज अ माइग्रेंट कई बार हमें लगता होता है कि यार इतनी सख्ती क्यों हो रही है या क्या हो रहा है ये उल्टा पुलटा कर रहे हैं बट मे बी दे हैव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव तो वो वैसे चलता रहता है तो चेंज होती रहेंगी आप पहले भी होती रही है अब भी होती रहेंगी हाँ जी वो चलते रहेंगे देखिए कहीं ना कहीं एक क्वालिटी इमिग्रेंट ऑस्ट्रेलिया का चाहिए जी हम अपने आसपास देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग रहते हैं हमारी अपने जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं ब्लैक टाउन में कितने सारे अपनी कम्यूनिटी के लोग हैं

तो गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस किस को लाना है कैसे लाना है तो वो कई बार ऐसा नहीं कि हमेशा पॉलिसी सही होती हैं बहुत सारी पॉलिसीज़ में ड्रॉबैक्स भी रह जाती हैं तो आई थिंक देन दे रियड जस्ट थिंग्स तो ऐसे ही वो करते हैं फाइन ट्यून करते रहते हैं टाइम के साथ फाइन टून जी जी सर थोड़ा सर अपनी माइग्रेशन एजेंसी के बारे में हमें बताएं जी आप किस नाम से काम करते हैं थोड़ा मैंने तो बता ही दिया है आप भी बताएँ तो किस वीज़ा में आप डील करते हैं मैंने मेनली हम फैमिली uh, वीज़ाज करते हैं पेरेंट वीज़ा फैमिली प्लस स्टूडेंट्स भी करते हैं स्किल्ड uh, माइग्रेशन का भी काम करते हैं बट मेन फोकस जो है हमारा फैमिली वीज़ाज है ब्लैकटोन में ऑफिस है हमारा ऑस्ट्रेलियन वीज़ा सेंटर के नाम से जी। तो उसी के अंडर से काम कर रहे हैं पिछले सात मतलब सेवेंटीन से शुरू किया सात आठ साल हो गए तो तब से काम कर रहे हैं ठीक है सर मैं फेसबुक uh, पे टिकटॉक पे इंस्टा पे देखता हूँ आपकी जो uh, एक आप पेरेंट वीज़ा वर्कशॉप चलाते हैं जी उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली उसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है आप मतलब क्या कवर करते हैं उस वर्कशॉप जी और क्या उसका फॉर्मेट है तो उसका फॉर्मेट है वन टू वन जी ठीक है फ्री है वो ओके तो उसका कारण क्या था पीछे कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है जी जो लोग इधर उधर से एक दूसरे से फ्रेंड से फैमिली से फेसबुक से लेते हैं उसकी वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिन लोगों ने बहुत सारी गलतियां की जी तो हम वेरी पैशनेट अबाउट कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनके काम में आप गलती का स्कोप नहीं है दूसरा तो रीडजस्ट कर लेगा जी अगर आप यंग हो मान लो कोई स्टूडेंट है उसने एक स्टेप गलत ले लिया तो मे बी नेक्स्ट उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो चेंज कर लेगा पेरेंट्स के मसले में शायद ये टाइम की लग्जरी हमारे पास नहीं है जी, तो इसलिए फिर मैंने वो वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट शुरू किया था ताकि लोग को एटलीस्ट लीस्ट सही इंफॉर्मेशन मिल जाए देन दे मेक देर ओन डिसीजन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरी वर्कशॉप की कि आपने हमारे से फाइल लगवानी है Uh, आप हमसे पूछ के आप अपने आप भी कर लेते हो तो यू नो दैट्स इज़ योर प्रेरोगेटिव तो उसका जो मकसद एक ही है कि आपको सही इंफॉर्मेशन एक बार मिल जाए देन यू मेक योर ओन डिसीजन क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स uh, होते हैं ठीक है और वो हर एक बंदे की इंडिविजुअल सिचुएशन के हिसाब से उसकी uh, जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है जी। तो उसकी वजह से वर्कशॉप हम करते हैं वो अराउंड हाफ एन आवर फोर्टी फाइव फ्री कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ़ कॉस्ट उसमें बहुत अच्छा कोर्स चला रहे हैं सर आप तो नहीं वो मतलब बेसिकली फुली फुली आउट आउट जैसे अगस्त okay. uh, तक है इसमें यू नो यू हैव टू मेंटेन देयर प्राइवेसी और वो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट भी यही कहता है यू गांट हैव अ मास वर्कशॉप एंड देन आंसरिंग इंडिविजुअल क्वेश्चंस है ना तो वो वन टू वन ही है सभी तो पीपल एप्रीशिएट दैट यू नो बिकॉज वी हैव बीन ऑनिस्टली गिविंग देम इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कुछ हाइड करते हैं कि जी हमें जी। हमारे पास पहले फाइल लगाओ फिर बताएंगे तो उसकी वजह से यू नो लाइक पेरेंट वीज़ा में तो बहुत नाम बन गया हमारा जी, 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 उसकी वजह से यू you नो know? एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फॉर ऑडियंस राजवंत जी पेरेंट वीज़ा वर्कशॉप चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वन टू वन और इनको सल्यूट है इस चीज़ के लिए क्योंकि दिन में अपने काम में से टाइम निकालना फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब के बस की बात नहीं है नहीं थैंक, थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू जी आइडिया यही है कि मैंने देखे बहुत सारे केसेस जो अगर सही तरीके से होते तो वो उनका रिजल्ट जो डिफरेंट होना था राइट बिल्कुल तो बिकॉज दे डिन कंसल्ट एनी वन अब देखो माइग्रेशन एडवाइस इस कंट्री में राइटली सो इज़ एक्सपेंसिव डेफिनेटली राइट बिकॉज uh, हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया और कंटिन्यूसली करते हैं अपने आप को अपग्रेड रखने के लिए अब माइग्रेशन का जो लाइसेंस है उसकी उसको लेने की कॉस्ट है फिर आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट कॉस्ट भी, भी है, है। तो इट्स इट्स नॉट चीपर माइग्रेशन एडवाइस है ना तो कई लोग उससे फिर भी सोचते हैं यार अपने आप कर लेते हैं बट देन दे देन देन मेक मिस्टेक्स तो उसको अवॉइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट एवरी वन के आप खुद मत करो जी ठीक है आप किसी की एडवाइस लो जी बिल्कुल अगर आपको कोई डाउट है तो मे बी टेक अनदर एडवाइस है ना तो उसमें आप थोड़ा टाइम और मनी इन्वेस्ट करो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ चांस क्योंकि अगर एक बार आपका रिफ्यूज़ल हो जाता है तो इट हैज़ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज तो उसकी वजह से लोगों को प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए प्रोफेशनल से फिर करना चाहिए और पेरेंट्स के मसले में नो बडी टेक का चांस है ना क्योंकि आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा बिकॉज बिल्कुल तो जब तक आपको ये गलती का पता चलना है तो वो वे पास कोई सोल्यूशन रह नहीं कोई जाता हाँ, कोई। एक टाइम पे आके जब तक लोग पी आर होते हैं फिर सीजन होते हैं पेरेंट्स की एज भी बढ़ती चली जाती है वही कह रहा हूँ उसमें बहुत कुछ है जी मेडिकल आस्पेक्ट हैं एज का आस्पेक्ट है और अगर आपने कोई गलती कर दी तो दैट कैन बिकम वेरी डेंजरस राइट उसका फिर जी, जी, जी। नहीं निकलता बाद में विल you know, उस एज में पता नहीं क्या बिल्कुल हो जाना होता है सर अच्छा सर ऑस्ट्रेलिया में कितने तरह के पेरेंट वीजाज अवेलेबल हैं देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती पेरेंट वीजा और मुझे लगता है ये सबके लिए एक टॉपिक है डेफिनेटली क्योंकि कोई भी बंदा इस कंट्री में आया है या स्टूडेंट है या कोई और भी है जी उसका अपनी फैमिली को या अपने पेरेंट्स को बुलाना है एक सपना होता है ड्रीम होता है बिल्कुल सही और इसके बारे में आज आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि ये हर बंदे के लिए कितना इंपॉर्टेंट और कहाँ से उसको इस चीज की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए जी आ, पेरेंट वीज एज ब्रॉडली दो दो स्ट्रीम्स में डिवाइड कर रखे हैं जी एक तो है जो ऑफ स्ट्रीम है जी। जो वीजाज बाहर से डलते हैं दूसरी है ऑनशोर तो दोनों में अंतर यह है कि जो ऑफ शोर हैं, है उसमें कोई मिनिमम एज नहीं है मान लो आज आपको पीआर मिली और आप एलिजिबल हो तो आप कल उसको लॉन्च कर दो चाहे आपके पेरेंट्स चालीस साल के हैं जो भी उनकी एज कोई है। भी उनकी दूसरे जो वीजाज हैं जो ऑन शोर वीजाज हैं उसमें मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है ओके okay. तो वो मिनिमम एज लिंक कर रखी है ऑस्ट्रेलियन पेंशन एज में ओके okay. राइट तो आजकल जैसे ऑस्ट्रेलियन पेंशन एज जो है वो है सिक्सटी सेवन ईयर्स आज से एक साल पहले uh, वो थी सिक्सटी सिक्स एंड हाफ तो पें जैसे पेंशन एज बढ़ती रहती है तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो मूव होता रहता है साथ साथ है। तो इसलिए वो जो वीज़ाज हैं वो जो ऑनशोर वीज़ाज हैं उनके साथ एज का है लिंक बट ऑफ में वो नहीं है फिर एक तीसरी कैटेगरी जो हम लोगों ने कई साल पहले पटिशंस रन की थी वो फिर एक टेम्प्रेरी वीज़ा भी क्रिएट कर रखा है जिन लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मिलता जी सर तो उनके लिए फिर एक टेम्प्रेरी पेरेंट वीजा स्पॉन्सर्ड पेरेंट वीज़ा है जी सर वो एक कैटेगरी बट वो परमानेंट कैटेगरी नहीं जी सर लेट्स टॉक अबाउट ऑफ शोर पेरेंट वीज़ा जी वन बाय वन कवर करते हैं थोड़ा जी ताकि सबको पता चल जाए इसके बारे में क्या तो ऑफ शोर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सर ऑफ शोर की रिक्वायरमेंट जो सभी वीजाज़ की पेरेंट वीज़ाज़ की मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट जी तो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट क्या है कि आप पेरेंट हो जी आपके कितने बच्चे हैं क्या उसमें से एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट हैं जी सपोज़ किसी के चार बच्चे हैं चार में से दो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जी। ठीक है और वो दोनों परमानेंट हैं तो परमानेंट में मैं जो सिटीज़न है उनको भी गिन रहा हूँ राइट तो अगर आप वो फिफ्टी परसेंट हो तो आप पेरेंट वीज़े के लिए एलिजिबल हो अगर उससे कम है चाहे ऑफ हो चाहे ऑफ हो वो मेन रिक्वायरमेंट अब जो ऑफ वाले हैं उनकी मिनिमम एज कोई नहीं है जी राइट तो किसी भी एज में आप पेरेंट वीजा डाल सकते हो एज लॉन्ग एज यू मीट द फैमिली बैलेंस टेस्ट जी आप बाहर से सब क्लास वन जीरो थ्री है वन सेवन थ्री है सब क्लास वन फोर थ्री है तो ये तीन जो वीजे हैं ये बाहर से डलते हैं से ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी डल सकते हैं बट इनको ऑफ शोर एप्लीकेशन ही गिना जाता है और ब्रिजिंग वीजा नहीं मिलता इनके ऊपर जी राइट तो ये तीन वीजे हैं जो बाहर से डाल सकते हैं आप लोग ठीक है ऐसे ही तीन वीजे हैं जो ऑन शोर हैं जी सब क्लास एट जीरो फोर, जी। फोर एट एट फोर एंड एट सिक्स फोर तीन सब क्लास ऑन शोर हैं तीन ऑफ शोर और एक जो आप टेंपरेरी वीजा की बात कर रहे जो आपने पेटिशंस रन करी हैं कुछ पिछले टाइम में उसके बारे में थोड़ा बताएं वो क्या वो कौन से वीजा सेक्शन 7870 है जी तो वो जो है वो टेंपरेरी पेरेंट वीजा है ओके वो आपको जात उसकी लेंथ है तीन साल हां या 5 साल तो दो काफी एक्सपेंसिव वीजा है वो जी तो उसके लिए मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट भी है स्पोंसर है जो जी तो आप स्पॉन्सर कर आपको करना पड़ेगा पहले स्पॉन्सरशिप अप्रूव होगी जी फिर आप वीज़ा डालोगे जी वो कुछ लोगों की सिचुएशन में आ, सूटेबल है वीज़ा जी तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या सर जो इनकम की रिक्वायरमेंट्स हैं ब्रॉडली 84,000 फोर थाउजेंड डॉलर बट फैमिली इनकम है फैमिली uh, okay. इनकम तो दैट हाँ। मीन्स के अगर आप हस्बैंड uh, वाइफ की जॉइन कर सकते हो जी अगर दो सिबलिंग्स हैं उनकी भी इनकम आप ज्वाइन कर सकते हो मगर आप मान लो आपकी पचास हजार है जी आपकी वाइफ की है थर्टी फाइव तो दोनों की मिला के वो एटी फोर तो वाली रिक्वायरमेंट पूरी है एटी फोर हो जाती है जहाँ आपका कोई बहन भाई है उसके साथ भी आप वो इनकम को कम्बाइन कर सकते हो ठीक है सर तो वो है उसकी रिक्वायरमेंट जी तो इसका जो टाइम फ्रेम क्या रहता है सर टेम्परेरी वाले का तो अबाउट सिक्स मंथ्स प्रोसेस जी ठीक है जो दूसरे हैं वो फिर लंबा टाइम लगता है जी जो आपके हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है जल्दी से जल्दी पेरेंट्स को बुलाने के लिए टेम्प्रेरी ऑफ शोर या ऑन शोर कहाँ टेम्प्रेरी तो टेम्प्रेरी है अब बेस्ट तो परमानेंट वीज़ाजी हैं जी अब वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस क्या हैं आपके पेरेंट्स की एज कितनी है क्या वो ऑन शोर हैं पेंशन एज को मीट करते हैं ठीक है तो फिर ऑन शोर से लगेंगे जिसके कि आपको ब्रिजिंग वीजा मिल जाता है तो फिर देन यू कैन स्टे हियर स्टेर तो वीज़ा लगाने के बाद आप यहाँ पे रह सकते हो जी सर अपने बच्चों के साथ राइट तो वो फिर दैट विल बी बेटर चॉइस जी क्योंकि ये, ये पेरेंट्स वीज़ास दे टेक जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग पेरेंट वीजाज हैं जिसमें आप पैसे देते हो सरकार को काफी सारे उनमें भी आजकल दस साल लगने लगे हैं ठीक है बट अगर जी, आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिल गया तो यू कैन स्टे हियर ये है ठीक है सर एक सवाल हो रहा है मेरा जो ऑन शोर पेपर एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं जी उसके क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे अगर हम पेरेंट्स यहाँ आए ऑन शोर मतलब करते हैं उनको तो सपोज आपके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलियन जो पेंशन है जो उसको मीट करते हैं जी ऑन शोर हैं उनका जो करंट वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा उसके ऊपर नो फर्दर स्टे कंडीशन नहीं है जी तो जब आप एप्लीकेशन लॉन्च करोगे तो आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिलेगा ओके सर नाउ दैट ब्रिजिंग वीजा गिव यू राइट टू स्टे इनडेफिनेटली इन ऑस्ट्रेलिया जब तक वो दूसरी फाइल का डिसीजन नहीं हो जाता ओके okay. चाहे उसमें दस साल लगे जी ज़्यादा लगे ठीक है तो आपके पास यहाँ पे रहने के राइट्स हैं जी आपके पास वर्क राइट्स हैं uh -huh. तो वो जो ये जो दो चीज़ें बहुत हैं बहुत बेनिफिशियल हैं लोगों के लिए ठीक है क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को अप्लाई uh, करने के बाद यहाँ पे अपने साथ रख सकते हैं जी. जी. Ah, अगर उन्होंने वापस जाना है तो देव टू डे का ब्रीजिंग वीजा बी एंड गो ठीक है सर तो डूरिंग दिस लाइक ब्रीजिंग वीजा प्रोसेस पेरेंट्स मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है सर नहीं है ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद एलिजिबल हैं जी बट पेरेंट्स एलिजिबल नहीं हैं आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करनी पड़ती है जी। तो उसके ऊपर आपको रहना पड़ता है जी राइट तो, तो जब आपकी पीआर होगी तब आपको मेडिकल मिलेगा ठीक है सर तो जो आ, ये इंश्योरेंस है पेरेंट्स का प्राइवेट इंश्योरेंस काफी कॉस्टली पड़ता है एक्सपेंसिव है।, है जी एक्सपेंसिव है।, है आजकल तो बहुत बढ़ गई है जी। जी। अब तो लाइक फाइव सिक्स हंड्रेड डॉलर पर मंथ पर मंथ हो गया ठीक है तो जो अब जब हम यहाँ पे उन शोर पेपर वीज अपलिकेशन फाइल करते हैं जी मेडिकल का प्रोसेस क्या रहता है पेरेंट्स का वो किस टाइम पे आता है अब जो सब क्लास एट जीरो फोर है जी उसका तो अराउंड थ्री इयर्स में आ जाता है टू टू थ्री इयर्स हमने लाइक उससे पहले आते हुए भी देखा है तो बेसिकली आप दो से चार साल के बीच में लगा लो जी मेडिकेयर सॉरी मेडिकल मेडिकल की रिक्वेस्ट आती है जी तो वो आपको करवानी पड़ती है उसके साथ आपको आ, ये पुलिस क्लियरेंस भी देनी होती है तो ये दो चीज़ें दो से चार साल के बीच में हो जाती है ठीक है सर सर ड्यू टू हेल्थ रीजंस अगर पेरेंट्स में से किसी एक का जो मेडिकल है वो फेल हो जाता है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते इन दैट केस तब क्या होगा अगर एक का भी फेल हो जाता है दोनों का फेल गिना जाएगा अब okay. तो रूल को बोलते हैं वन फेल्स ऑल फेल्स राइट जी तो फिर सब फेल हो जाते हैं तो वीज़ा नहीं मिलेगा आपको ओके okay. ठीक है ठीक है सर बट उसकी रेमेडी है फिर अगर नहीं मिलता तो देन पेरेंट uh, वीजा एप्लीकेंट्स बिकम यू नो वो मेडिकल ट्रीटमेंट वीजा लगा सकते हैं इफ़ दे कान ट्रेवल ऑन दैट बेसिस राइट तो ऑब्वियसली मेडिकल किसी का अगर फेल होता तो फेयरली बैड सिचुएशन में है वो जी. तो अगर उस केस में हो जाता तो दिन फिर आपको कोई और रेमेडी उसकी ढूंढनी पड़ेगी जी बट अगर एक भी फेल हो जाता है तो दोनों फेल हो जाएंगे मतलब तो दोनों फेल हाँ जी दोनों फेल ठीक है सर तो इसके बाद वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते क्या से, क्या सिनेरियो रहता है अब आप अ, मेडिकल अ, फेल होने की वजह से आप पेरेंट वीज़ा फ़ेल कर चुके हो तो दैट मीन यू आर रिफ्यूज तो रिफ्यूज होगा तो दूसरा वीज़ा नहीं कोई डाल सकोगे सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचेगी मेडिकल ट्रीटमेंट भी सर जी माय क्वेश्चन इज के अगर जिस बी रीजन से उनका मेडिकल फेल हुआ है अगर वो उनकी हेल्थ बेटर हो जाए वो मेडिकल पास करने की तो ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेडिकल की वजह से फेल होगा ना मुझे तो इिवर्सिबल कंडीशनस होती हैं कुछ किसी की किडनी फेल होगी कुछ हो गया जी. ना तो उस केसेस में होता है यू कैन गो टू ट्रिब्यूनल ऑल द टाइम अगर आपको okay. लगता है कि जो डिपार्टमेंट का डिसीजन रॉन्ग है जी. तो यू कैन ऑलवेज सीक रिव्यू फॉर दैट ठीक है तो वो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा कि वो क्या डिसीजन लेता है uh, तो सर जो पेरेंट्स रिमेनिंग रिलेटिव वीज़ा है हुँ. उसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो क्या है नहीं वो बहुत सारे लोगों को ये जो रिमेनिंग रिलेटिव वीजा है ना वो सोचते हैं कि सभी बच्चे यहाँ आ चुके हैं हमारे पेरेंट्स अकेले हैं तो क्या वो रिमेनिंग रिलेटिव वीज़ा डाल सकते हैं ये क्वेश्चन आम है बहुत सारे लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि मैं अपने पेरेंट्स का जब मेरी मदर है जब फादर है उनका रिमेनिंग रिलेटिव वीज़ा डालना चाहता हूँ तो उसके बारे में ये है कि जो रिमेनिंग रिलेटिव वीज़ा है वो पेरेंट्स उसके लिए एलिजिबल नहीं है ठीक है तो वो पेरेंट्स वीज़ा नहीं डाल सकते ठीक है सर तो इस कैटेगरी के अंडर कौन आता है इसमें रिमेनिंग रिलेटिव वीजा है जैसे आप यहाँ पे हो जी। और आपके बाकी रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं मदर फादर परमानेंट है सभी। जी। एक कोई बहन भाई इंडिया में है जो सिंगल है और कोई और रिलेटिव आपका इंडिया में नहीं है जहाँ दुनिया में नहीं है कहीं भी और एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया ठीक है जी। तो आप रिमेनिंग रिलेटिव के तौर पे यहाँ पे वीजा डाल सकते हो बट उसकी वेटिंग पीरियड इज़ फिफ्टी इयर्स ठीक है इयर्स हाँ जी वो अगर कोई ऑन शोर होगा तो उसको फायदा हो सकता है ठीक है बट मोस्टली यू नो लाइक अगर कोई बाहर से डालता तो जी, वो जी। वीजा तो कभी नहीं मिलेगा ठीक <laughs> है जिंदगी निकल जाएगी जिंदगी निकल जाएगी ठीक है ठीक है सर अच्छा जो एक एज डिपेंडेंट रिलेटिव वीजा है वो उसके बारे में बताएं वो क्या कौन सा वीजा है वो भी पेरेंट वीजा नहीं है जी वो वो जो वीज़ा है वो रिलेटिव बोलते हैं उसको एज एज डिपेंडेंट रिलेटिव समबडी हु मीट्स पेंशन एज और उसका कोई क्लोज रिलेटिव यहाँ पे है जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रैंड पेरेंट है सिंगल बुजुर्ग है किसी का यू नो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर और वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्र कोई चाइल्ड है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहता हुआ जी। फाइनेंशियली उसके ऊपर डिपेंडेंट है राइट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन राइट तो अगर वो डिपेंडेंट है तो देन इवन ग्रैंड पेरेंट कैन बी स्पॉन्सर्ड अंडर दैट कैटेगरी उसमें आप अंकल आंटी को भी कर सकते हो जी ठीक है तो वो उसकी उसमें पेरेंट्स को भी कर सकते हो होके okay. अगर कोई पेरेंट आपका फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो उसको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो ठीक है सर ठीक है बट वो पेरेंट वीजा नहीं है. इट इज न सब क्लास ऑफ पेरेंट वीजा टोटली डिफरेंट सब क्लास है तो उसका पर्पस क्या है कि अगर आप यहाँ पे रहते हो और आपका कोई रिलेटिव है जो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है जी. तो आप उसको यहाँ पे परमानेंटली ला सकते हो जी तो दैट इज़ पर्पस ऑफ देट वीज़ा ठीक है सर तो अगर ये वीज़ा अप्लाई करना चाहें जी रदर देन पेरेंट वीज़ा जी तो ये काम नहीं करेगा में। कर सकता है अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है मान लो इसमें सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है पेंशन एज जी पेरेंट अगर आप पेरेंट की बात करते हो तो मस्ट बी सिंगल सिंगल इन देंस मतलब किसी के एक की डेथ हो चुकी है ठीक है जो डाइवोर्स है सेपरेटेड है जी जी। सिंगल पेरेंट सिंगल होना, सिंगल है। चाहिए। होना चाहिए पेंशन एज होनी चाहिए एंड थर्ड एंड द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उससे तीन साल पहले तक मस्ट बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट फॉर बेसिक नीड्स फूड शेल्टर एंड क्लोदिंग ठीक है ये नहीं कि आप आपके मान लो पेरेंट्स के हुँ. पास इतनी इनकम है कि वो अपना फूड शेल्टर एंड क्लोदिंग तो कर सकते हैं जी. मगर आपने उनको एक गाड़ी लेके दी है आहाँ. ठीक है कि ड्राइवर रख के दिया है उसके जी. लिए पैसे बेच हो नो no. वो काउंट नहीं होगा वो काउंट नहीं वो वह फिर वो लग्जरी है जी

एज रिक्वायरमेंट भी पूरी करो आप अगर ऑफ हो तो एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फैमिली बैलेंस टेस्ट है जी। अब आपने जैसे एट एट फोर बोला है तो ये दिस इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा तो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीजा में हमने पैसे देने होते हैं लाइक like आपने इनिशियल कॉस्ट है एक तो वो वीजा एप्लीकेशन कॉस्ट है जी। उसके बाद एक सेकंड वीजा एप्लीकेशन कॉस्ट है वो आपने कंट्रीब्यूट करनी होती है विच इज आज जो है फोर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड है फोर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड हाँ अगर आप एट सिक्स फोर वीजा अप्लाई करते हो जी. तो आपको वो फीस जो है जैसे ही आपको वीजा ग्रांट होने लाइक इज रेडी फॉर ग्रांटिंग सर ठीक है जी अगर वही वीज़ा आप एट एट फोर डालते हो जी तो आपको पहले दो साल का टेम्परे वीज़ा मिलेगा एट एट फोर जी तो आप पहले रफली अबाउट फोर्टी परसेंट दे दोगे उसका जी फिर बैलेंस जो है इन टू ईयर्स देना है आपको एट सिक्स फोर मिलेगा ओके तो बेसिकली आपसे वो पैसे दो बार में लेने हमने ओके ठीक है एट एट फोर के लिए फिर देन यू अप्लाई अगेन विद इन टू ईयर्स एट सिक्स फोर तो फिर जो बैलेंस है वो आप तब पे करोगे तब पे अगर एट सिक्स फोर सीधा अप्लाई करते हो तो पूरे पैसे एक साथ देने पड़े। पूरे साथ ही देने तो वो दैट इज़ द डिफरेंस अगर वो जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है एट सिक्स फोर जी सर सॉरी एट जीरो फोर एज पेरेंट वीजा उसमें आप पहले एक फी देते हो विच इज अराउंड फाइव थाउजेंड फिर बाद में आपको पच्चीस तीस साल के बाद अगर आप लकी हो जी और वीज़ा मिल जाता मिलना है आपको

लेट्स लेट्स वन सेवन थ्री हाँ वन इज ऑफ श्योर ऑफ एट ओके वन इज ऑफ श्योर ऑफ एट तो वो दोनों आप सेम चीज़ है जी सर वो जो वन है उसको टू पार्ट में डिवाइड करके वन सेवन थ्री एंड वन फोर थ्री जी का रोड भी आप ले सकते हो सीधा वन फोर थ्री भी डाल सकते हो फीस सेम ही रहेगी उसमें फीस सेम है फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हाँ, वो थोड़ी सी आपको फर्क पड़ जाता है अगर आप टू पार्ट में करते हैं तो ठीक है सर हाँ जीउटी uh, हाँ जी एट सेवेंटी जो है हमने पहले भी टच किया था वो टेम्प्रेरी वीज़ा है जी वीज़ा तो इट इज बेसिकली फॉर थ्री ईयर्स एंड फाइव ईयर्स थ्री ईयर्स की कॉस्ट है अबाउट सिक्स थाउजेंड जी वन uh, पेरेंट की जी सर और पाँच साल की है अलेवन थाउजेंड रफली जी तो वीज़ा पर कुछ लोगों की सिचुएशन में फिटबैक चलते फिटबैक सर और इंश्योरेंस तो प्राइवेट इसमें लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वीज़ा ठीक है सर तो काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई सर आपने थैंक यू इसके अलावा कुछ और आप पेरेंट वीज़ा के बारे में बताना चाहेंगे कुछ एडवाइस आपकी लोगों के लिए क्योंकि जैसे कि ओवर द दस आप इतने केसेस देखते हैं लोग गलती करने के बाद फिर उसको सही करने चलते हैं दो चीज़ें हैं एक तो अगर आपके पेरेंट्स एलिजिबल हैं चाहे आपको आज पी आर मिली है स्टार्ट थिंकिंग अबाउट राइट बिकॉज आप जितना आप लेट करोगे उतना सिस्टम आपको लेट कर देगा जी तो एक तो ये एडवाइस है कि सूनर यू गेट दी पी आर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पेरेंट्स क्योंकि आप बाद में भी सोचोगे अब जैसे हमारे पास लोग आते हैं जो आज से पंद्रह साल पहले एलिजिबल थे नहीं किया जब ये पेरेंट वीजा साल दो साल पाँच साल में मिल जाता था तब नहीं किया अब सोच रहे हैं नाओ पेरेंट्स और मच ओल्डर मेडिकल फेल होने की भी चांसेस हैं तो तब नहीं किया तो अब वो मिस होने वाली है अपॉर्चुनिटी तो इसलिए अगर यंग बच्चे आपको प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं तो उनको एडवाइस ये है कि अगर आप जैसे ही आपकी पीआर होती है तो आप इसको एक्सप्लोर करो किसी माइग्रेशन एजेंट के साथ बात करो और एक्सप्लोर करो क्या हम पेरेंट वीज़ा डाल सकते हैं अगर डाल सकते हो तो जल्दी जल्दी डालो इसको is, एक ये एडवाइस है दूसरी एडवाइस ये है कि आ, जैसे वो आप कई दिखाते नहीं होते टी वी पे डेंजरस गेम्स तो वो कहते होते डोंट ट्राई एट होम डोंट ट्राई एट होम तो पेरेंट वीज़ा में भी यही है कि ये बहुत आसान लगता है वो कहते जी एक फॉर्म ही भरना है बट एवरी क्वेश्चन इन दैट फॉर्म हैज अगल बेसिस तो वो आपको नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है बिल्कुल तो इसलिए क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते जी. हो तो यूज अ प्रोफेशनल उनसे आप बात करो उनकी हेल्प लो बिल्कुल डोंट ट्राई क्योंकि आप कई सारे काम हम नहीं कर सकते हैं जैसे मेरे को कंप्यूटर ठीक नहीं जी, करना जी, आता जी, है मैं चलाना आता है मेरे को मेरे को पता है बट इफ इट गोज रॉन्ग आई कांट फिक्स करना, बंद नहीं करना नहीं <laughs> ना? जो प्रॉब्लम होगी उसमें दो चार और हम तो इसलिए अगर आप कोई भी वीजे के रिलेटेड काम करते हो कोई भी वीजा हो मैं तो ये कहता हेल्प

अननेसेसरी स्ट्रेसिंग यूर सेल्फ वाई तो आप प्रोफेशनल एडवाइस लेते हो तो देन समबडी इज ऑलवेज विद यू जी टू इफ देर इज अ प्रॉब्लम ठीक है तो और गलती का भी स्कोप कम हो जाता है जी बिल्कुल क्योंकि जी. प्रोफेशनल का काम है वो अपने तरीके से करेंगे बिल्कुल और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है और डेली का काम है उनका बिल्कुल सही एक वीज़ा नहीं हर रोज वीजा अप्लाई करते हैं आप लोग हाँ जी वो, तो वो पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें पता जी पेरेंट्स के मामले में रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है

उनको काफ़ी भारी लग रहे हैं चेंजेस और एक बहुत जल्दबाजी में लोगों ने स्टडी वीज़ा भी अप्लाई किए हैं थर्टी तो जून तक और आपके हिसाब से जो ये सब चेंजेस आए हैं इसका क्या इम्पेक्ट होगा सर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पेक्ट है जी अब जैसे जो टी आर पर लोग बैठे हैं जी कईयों को तो बहुत देर हो चुकी है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पहले स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम में रहे फिर टी आर डाल ली कईयों की एज बार है अब जी राइट वो डाल नहीं पाएंगे बिल्कुल और दूसरे जो टी आर पे हैं आगे चल के अगर उनको पी आर नहीं आती तो पहले एक नॉर्मल रूट होता था ठीक है अभी मेरी पी आर नहीं आ रही है जी, टी आर खत्म हो रही है चलो स्टूडेंट वीजा डाल लो जी तो वो एक टाइम मैनेज करने का तरीका था वो ख़त्म हो गया तो इट इज़ गोइंग टू हैव इम्प्लिकेशन लोगों के काफ़ी रास्ते बंद भी होंगे जी तो अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि उनके साथ काफ़ी हाई हैंडेडनेस हुई है जी राइट और स्टूडेंट वीज़ा जो होल्डर्स हैं अब उनको भी अपने तरीके से टीआर बहुत सोच समझ के लेनी पड़ेगी अब पहले तो होता था ना नॉर्मल के ओके ठीक है पढ़ाई ख़त्म हो गई अब टीआर ले लो उस पर काम करते रहते थे तो बच्चे कुछ करते नहीं थे फिर स्टूडेंट वीज़ा की तरफ बिल्कुल तो नाव यू हैव टू यू नो सीरियसली प्लान करना पड़ेगा और आई थिंक एक चीज भी है कि स्टूडेंट्स को पढ़ना भी पड़ेगा जी हमने इंडस्ट्री में देखा कि बच्चों का बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं है राइट तो वो स्टूडेंट वीजा लेके आते हैं तो समाइम्स यू नो उसमें वो लैक करते हैं फोकस में तो अब वो टाइम खत्म हो चुका है नाव अगर आप आए हो पढ़ने तो यू हैव टू रियली फोकस प्लान एंड uh, फिर उस प्लान के ऊपर चलना पड़ेगा ठीक है सर तो ये चेंजेस हैं अब नेगेटिव uh, पॉजिटिव इसका क्या इम्पेक्ट होगा नेक्स्ट सिक्स सेवन मंथ्स और यू नो टाइम टू वॉच ठीक है सर और फोर एट टू को लेकर भी चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि बच्चे फोर एट टू की तरफ जाएं हाँ वो है कि अभी पहले जैसे दो साल का एक्सपीरियंस होता था जी अब वो ट्वेंटी थर्ड ऑफ नवंबर से एक साल का हो जाएगा जी ठीक है तो आइडिया ये है कि अब वो भी सिग्नल है जी कि आगे अगर, अगर आप पढ़ने आए हो पढ़ो जी और अपने फील्ड में काम ढूंढो डेफिनेटली राइट जी सर तो अगर आप उसमें काम एक साल कर लेते हो देन यू गो अब उसमें ये भी सिग्नल दे रहे हैं कि जहाँ पे भी आप काम करते हो काम भी अच्छी तरह करो जी ताकि अगर किसी ने आपको मान लो टेम्परेरी वीजा पे काम दिया है जी। तो अगर आप अच्छी तरह काम करते तो वही बंदा आपको स्पॉन्सर कर दे जी। एक साल काम करने के बाद राइट सो आइडिया ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जिस चीज को आप पढ़ने आए हो उसको अच्छी तरह पढ़ो एंड देन यूटिलाइज स्किल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये जी। नहीं कि आप पढ़ कुछ रहे हो काम कुछ कर रहे हो फिर इधर उधर घूम रहे हो बिल्कुल वो नहीं चाहते वो तो आई थिंक uh, अब उसको कैसे एम्प्लीमेंट होता है प्रैक्टिकल रूप में वो तो एक साल के बाद पता चल सर बट गवर्नमेंट uh, ने कुछ रिलैक्सेशन भी दी है अगर आप फोर एट टू वीज़ा पे जाते हैं तो पहले जो क्या होता था कि एम्प्लॉयर वगैरह कोई चेंज करना है नया ढूंढना है सिर्फ थर्टी डेज का टाइम शायद थर्टी सिक्सटी डेज का सॉरी सिक्सटी डेज का होता था तो उसको भी इन्होंने चेंज कराया अब हंड्रेड एंड एटी डेज है जी ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स हो गए सिक्स मंथ्स हो गए जी तो सिक्स मंथ्स में आप नया एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो जी और उस दौरान पहले क्या था कि काम का भी दिक्कत थी जी अभी

कैसे क्या रिजल्ट निकलता है टाइम टू सी दैट जी बट स्टिल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाहते कि बच्चे आए पढ़ें और अपने, अपने आइडिया की तरफ चले जाएं हाँ, यही है उनका कारण के एक्सप्लाटेशन भी ना हो उन, उनको एम्पावर भी कर दो जी कि अगर कोई कहीं और ये नॉन फैक्ट है जी कई जगह एम्प्लॉयमेंट में एक्सप्लाटेशन होती है जी तो उसको रोकने के लिए लोगों को एम्पावर किया कि आप छोड़ भी सकते हो आपके पास टाइम भी है अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे राइट्स हैं लोगों के पास मतलब अगर कुछ इनके साथ ऐसा होता है स्टूडेंट हो गए या फिर वर्क वीजा होल्डर हो गए दिस रेगुलेटरी बॉडीज ऑलवेज इन एवरी फील्ड बिल्कुल एंड दे 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 ट्राई टू हेल्प यू एज वेल ऐसी बात नहीं है जी ठीक है तो वो राइट्स तो हैं सबके पास ठीक है सर तो इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन सर आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ नहीं बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि टेक इट सीरियसली जी लाइटली मत लो वीज़ा रूल्स को जो भी आपके आपके वीज़ा की कंडीशंस हैं उनको फॉलो करो आप अगर आप स्टूडेंट हो पढ़ने आए हो तो उसके ऊपर भी फोकस करो बिल्कुल फॉलो दी आ, जो वीज़ा कंडीशंस हैं उनको काम के बारे में आपकी जो वर्क टाइम लिमिटेशंस है उसको फॉलो करो और वीजाज का कोई भी मसला हो तो टेक प्रोफेशनल एडवाइस आप हेल्प लो or, uh, और ट्राई टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और ट्राई टू फॉलो रूल्स ऑफ द लैंड रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार आपके करेक्टर की तरफ चली गई बात जी तो, तो देन फिर आप जो मर्जी पढ़ते रहो जो मर्जी करते रहो देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू मस्ट पास द करेक्ट टेस्ट एज जो अगर जैसे मेडिकल की बात कर रहे थे जी वैसे करेक्टर टेस्ट पास करना भी जरूरी है बिल्कुल सर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो मगर आ, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया कोई देन यू आर कॉन तो इन चीज़ों को सबको ध्यान रखना जरूरी है जी सर कोई भी देखिए किसी भी एक एज में बच्चे आते हैं नए यंग ब्लड कई कई बार लड़ाई हो जाती है खुद कर लेते हैं ना चाहते भी हो जाती है और जो पुलिस केस कोर्ट केस बन गया वो कहाँ तक आपको परेशान करता है जो पी आर की अप्लीकेशन डालते हैं हम सब जगह करेगा पी आर तो के टाइम पे करेगा सिटीजन के टाइम पे करेगा सब टाइम पे वो करेगा आपको परेशान ठीक है सर अगर कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है देन यू आर मेकिंग योर जर्नी ये है तो बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं क्लीन इमिग्रेंट चाहती है एकदम अच्छे जो रूल को फॉलो करें बिल्कुल ये राइट है ऑस्ट्रेलिया का ऐसा सोचने का है ना बिल्कुल सर तो बिकॉज दे द गवर्नमेंट हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी जी तो, तो वो नहीं चाहते हैं ठीक है तो सर आपको क्या लगता है अभी जो आने वाले टाइम में लाइक फाइव और टेन ईयर्स आगे की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है ड्रीम हो जाएगा लोगों का जिस हिसाब से ये इक्वलिटी इमिग्रेंट चाहते हैं रूल्स इतने सारे मतलब इन्होंने अब तो सब कुछ सही कर सीधा कर दिया ये मान लीजिए जैसे भी जो रूल्स लेके आए हैं आप आओ पढ़ो अपनी फील्ड में जा काम करो नहीं तो जाओ बिल्कुल सही सिंपल कहानी है नहीं अब ऐसा है दोनों तरफ है जी अगर लोगों का ड्रीम ऑस्ट्रेलिया बनेगा तो ऑस्ट्रेलिया का ड्रीम भी है अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना जी अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है जी राइट तो आप ऑस्ट्रेलिया को भी डिफिकल्टी होगी बिल्कुल अगर ये अच्छे लोग चाहते हैं तो अच्छे लोगों को भी सूट करना पड़ेगा आप देखो ना सभी कंट्रीज जो हैं वो क्वालिटी इमिग्रेंट्स के ऊपर कम्पीट कर रहे हैं जी तो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट वर्किंग इन वैक्यूम जी ठीक है तो अब ऑस्ट्रेलिया भी अब टैलेंट है जो दुनिया में जी। उसकी वॉर चल रही है बिल्कुल राइट जी उसी टैलेंट को ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है बिल्कुल उसी टैलेंट को इंग्लैंड भी चाहता है कनाडा भी चाहता है अब तो नई नई मार्केट खोल रही हैं, जर्मन चाहता है जापान चाहता है जहां जहां भी जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी जी वो कम्पीट कर रहा है, definite, रहा है। भी स्टार्ट करने जा कर रहा सब कर रहे अब जर्मन कर रहा है राइट तो जहां भी तरक्की होगी वहां पे उनको बंदे चाहिए स्किल्स चाहिए टैलेंट चाहिए तो टेलेंट वॉर चल रही है जी सर तो उस वॉर टेलेंट की जो डिमांड है जो मार्केट की एक उसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक प्लेयर है जी सर बेसिकली राइट टू अट्रैक्ट दैट मार्केट तो इनको भी रीडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है सो दैट दे आर अट्रैक्टिव टू पीपल जी राइट right? अब जैसे मैंने मेरा व्यू है कि आप इमिग्रेंट्स uh, को स्किल्ड इमिग्रेशन आप चाहते हो आप चाहते हो अच्छे अच्छे टैलेंटेड बंदे आए अब जो सोसाइटी है वो न्यूक्लियस सोसाइटी है सबके थोड़े थोड़े बच्चे हैं बिल्कुल अब पहले तो लोगों के ज्यादा बच्चे होते थे तो दो यहाँ आ गए दो पीछे भी हैं बिल्कुल अब ऐसा नहीं है नहीं सर अब मोस्टली एक ही है जी एक यहाँ आ गया तो पीछे अकेले पेरेंट्स रह गए तो हम हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी आए हमारे जी बिल्कुल तो इनको भी अपनी पॉलिसीज कन्ड्यूसिव करनी पड़ेगी

स्टिल वो बैक होम जाके भी सेम फील्ड में परस्यू करता है और किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है उस एजुकेशन की स्टिल वैल्यू है बिल्कुल है कोई भी वैल्यू अगर आप एजुकेशन लेते हो अगर आपने स्किल्स ली है तो उसका कहीं ना कहीं तो कीमत पड़ेगी जी अब राइट अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं पड़ रही तो हो सकता कैनेडा पड़ जाए इंडिया पड़ जाए कहीं भी अब राइट? इंडिया भी इक्वली ग्रो कर रहा है जी भी राइट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है आज की तरफ है ना तो आगे चल के आप बट जो भी बंदा जाता है लेट्स बी प्रैक्टिकल और क्या ये होता है ड्रीम के मेरे लिए पाथवे यहाँ पे बन जाए जी बिल्कुल राइट right? तो अगर वो पाथवे बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी बिल्कुल स्टिल बट आई एम सेइंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कि उनको पढ़ना बिल्कुल चाहिए यहाँ पे आके इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यू नो इफ़ यू हैव कम हियर टू स्टडी यू शुड स्टडी जी, जी। तो आप अपनी जो भी एजुकेशन है उसको आ, पूरी जिम्मेवार से ईमानदारी से लो और क्यों ना लो बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट डेफिनेट और यू पेइंग टॉप फीस जी तो अगर आप टॉप फीस पे कर रहे हो राइट तो देन यू हैव द राइट टू गेट स्किल्स ना एजुकेशन आप लो मगर अगर, अगर आप सेंसियर नहीं हो तो किसी ने स्पून फीडिंग नहीं करनी है, जी ना? जी सर ना? तो ये ठीक है सर हाँ तो थैंक यू सो मच सर आप शो में आए पेरेंट भी के बारे में आपने इतनी सारी इंफॉमेशन हमें दी है उम्मीद करते हैं लोगों के काम भी आएगी और आपसे भी एक रिक्वेस्ट होगी विदिन टाइम जब भी, भी आपको लगे कुछ चेंजेस हुआ है आप शो में एनी टाइम आके अपनी इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जी ना थैंक यू थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा राइट right? और आप भी आइडेंटिफाई करते रहो जैसे आपने मेरे से बात की दे आर लॉट ऑफ अदर वेरी गुड माइग्रेशन एजेंट्स जी सर जो अपने अपने फील्ड में काम करते हैं कोई स्टूडेंट वीज़े में एक्सपर्ट है कोई एम्प्लॉयर जी सर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज में एक्सपर्ट है तो सबको आप चांस दो जी सर और ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो बिल्कुल। राइट तो बहुत अच्छा आपका थैंक यू जी सर थैंक यू सर थैंक यू, थेंक यू।